बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है मेरी वाइटी फैमिली? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ अपना ये टकोमा का जो प्लांट है इसको शेयर कर रही हूँ कि इसको लगाए हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं। ये मैंने जो है 12 इंच के पॉट में लगाया था, तो अभी इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो गई है। ये आई थिंक ये जो है रूट बाउंड हो चुका है, तो इसको आज मैं रिपोर्ट करूँगी, बड़ा इसको पोट दूँगी और इसको प्रोपोगेट भी करूँगी। इसको डिवाइड कैसे करना है तो ये देखिए, ये इसकी स्टेम से ये इसका है स्टेम और ये एक दूसरा साइड से है, तो ये मैं सेपरेट करके इससे एक नया प्लांट जो है वो रेडी करूँगी। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ये जो साइड से इसकी रूट्स निकल के बाहर आई है और ये एक लंबी सी स्टेम बन गई, इससे भी हम एक और प्लांट जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो इससे मैं एक और प्लांट भी रेडी करूँगी। ये जो है वो कटिंग से भी हो जाता है ऐसे, इसकी ये जैसे पेंसिल की जितनी कटिंग लेके तो आप लगा दो, इससे भी नया प्लांट जो है वो रेडी हो जाता है। तो ये 12 इंच का पॉट है, अब इसको बड़ा पॉट देना है, तो इसको मैं निकाल के फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे इसको थोड़ा निकालना जो है वो मुश्किल है। ये देखें, ये मैंने इसको निकाल के सेपरेट कर लिया है, ये 12 इंच के पॉट से मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। ये देखिए आप, ये एक इसका ये प्लांट है, ये दूसरी जो इसकी स्टेम थी एक हाथ में कैमरा पकड़ा है दूसरे से कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये देखिए, ये मैंने सेपरेट कर लिया है इसकी, ये एक रूट ये बन चुका है हमारा प्लांट अलग से, इसकी रूट्स भी वो डिवेल्प हो गई थी और ये बहुत अच्छा सा जो है हेल्दी सा प्लांट हमारे पास आ जाएगा अलग से। ये तो दूसरे को मैं इस पॉट में, ये बड़ा पॉट है 12 इंच के पॉट में था पहले, ये भी 18 इंच का पॉट है, तो इसमें मैं इसको लगाऊंगी, थोड़ी स्पेस ज़्यादा मिलेगी तो इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़बरदस्ती जो है वो चलेगी। ये आपने रोड साइड्स वगैरह पे देखा होगा, ये काफ़ी अगर हम ज़मीन पे लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ काफ़ी हेल्दी होती है, बहुत बड़ा प्लांट बनता है और इसके पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। तो अभी इसको मैंने इसमें बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया है, इस तरह से। इसको इतनी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी भी आप पूरे साल में एक दफ़ा दो दफ़ा गोबर की खाद दे दो तो ये बहुत अच्छा सर्वाइव करता रहता है। सर्दियों में ये अपने लीव्स गिरा देता है, गर्मियों में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चलती है। ये ऐसे ही फुल सनलाइट में पड़ा होता है, इसी शेड वगैरह में मैंने इसको नहीं रखा है, फुल सनलाइट में ही ये रहता है और बहुत अच्छा सा इसकी ग्रोथ है वो होती रहती है। वाटर इसको जो है, वाटर की अगर बात करें तो वाटर जब इसकी जो मिट्टी है बिल्कुल ड्राई हो जाए तो फिर इसको पानी देना चाहिए। जब इसको पानी की कमी होती है तो इसके लीव्स जो हैं वो फोल्ड से हो जाते हैं। तो ये देखिए जी, जो मैंने सेपरेट की थी इसके साथ इसकी सैपलिंग छोटी सी, इसको मैं ये 12 इंच का पॉट दे के इसमें लगा देती हूँ, तो ये फ्री में हमारा बहुत अच्छा सा जो प्लांट है वो रेडी हो जाएगा। से मैं इसमें शिफ्ट कर देती हूँ, इस तरह से। तो इंशाल्लाह हम इसी के साथ ही अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।